सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार झटपट से बता दो, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? क्या मेरी आवाज आ रही है? सो चलो, सब कुछ ठीक है शायद? मोहम्मद, हाउ आर यू सर? बिल्कुल सही हूँ। मेघा राय, हेलो हेलो भाई। पायल चुनबुक, हेलो सर, हेलो। चलो, अभिषेक कुमार, डर लग रहा है। अरे रिजल्ट में सब कुछ अच्छा होगा। अंशुमन अर्पित मिश्रा, मुझसे पहले तो एडी आ जाता है। अरे सबके आ जाता है भाई, मेरे मोबाइल में भी आ जाता है। चलो स्निग्धा, हेलो सर, हेलो। झटपट से जुड़ जाओ भाई, अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल तो लास्ट ही में मतलब कनेक्शन उड़ गया और जो भी लेक्चर बाकी था वो कंप्लीट कर नहीं पाए। चलो, बिटन चक्रवर्ती, हेलो गुरुजी, हेलो भाई, हेलो। स्मार्ट स्टार, हाय, हेलो भाई। चलो क्या आवाज आ रही है बता दो एक बार। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और कल जो हमारा सेशन है वो बीच में ही रुक गया था क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा खराब हो गया था। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर अब से इंटरनेट कनेक्शन खराब होता है, अगर इंटरनेट कनेक्शन खराब होता है और बीच में मेरी इंटरनेट चल जाती है, तो प्लीज आप वेट मत करना। जो भी क्लास बची होगी मैं क्या करूंगा, उसको नेक्स्ट डे शेड्यूल करूंगा। मतलब उसी दिन मैं नहीं लूंगा क्लास, क्या करूंगा, नेक्स्ट डे लूंगा। तो अगर गलती से कभी भी इंटरनेट कनेक्शन बीच में कट जाता है तो आप वेट मत करना, अपना टाइम सेव करना और अगले दिन 7:30 बजे वेट करना। ठीक है ना? चलो, अमित कुमार, यस सर। चलो, बहुत लोग दिख नहीं रहे हैं यार। चंद्रशेखर, नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते। चलो चलो, देखो कल ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन मैं बीच में बता रहा था और कनेक्शन उड़ गया था। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों ने सही दिया था, फिर भी मैं इसको दोबारा बना के बता देता हूं क्योंकि वो तो मेरा फर्ज है, मुझे तो बताना है ही। टू बॉडीज आर मूविंग इन कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स। कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स का मतलब होता है दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर सच दैट देयर टाइम पीरियड्स आर द सेम, द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज। देखो भाई साहब, यहाँ पे किस चीज की बात की हुई है कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है? टाइम पीरियड और ओमेगा में, दैट इज एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। तो अगर टाइम पीरियड सेम है दोनों पार्टिकल्स के लिए, तो इसका मतलब क्या, 2π कांस्टेंट है, टाइम पीरियड कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओमेगा वन होगा वो ओमेगा टू के इक्वल होगा। मतलब क्या कि जो एंगुलर स्पीड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हमसे पूछा है सेंट्रीपिटल एसेलेरेशन का रेशियो, तो सेंट्रीपिटल एसेलेरेशन क्या होता है ओमेगा के टर्म्स में? वो होता है एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। नहीं भाई साहब, सेंट्रीपिटल एसेलेरेशन पूछा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। क्या होता है सेंट्रीपिटल एसेलेरेशन? ओमेगा स्क्वायर आर, और इसी का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले बॉडी के लिए मान लेते हैं कि जो ओमेगा है ओमेगा वन है और रेडियस जो है वो आर वन है, तो सेकेंड बॉडी के लिए कितना हो जाएगा, ओमेगा टू स्क्वायर इंटू आर टू। अब ओमेगा वन ओमेगा टू इक्वल है तो ये और ये कट्टुम कुट्टुम हो जाएगा, बचेगा आर वन बाई आर टू। तो आर वन बाई आर टू रेडियस का रेशियो, पहला रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर, दूसरा रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। तो 2/4 मतलब कट्टम कुट्टुम कर दोगे भाई साहब तो 1/2 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बोलो, बात समझ में आई क्या? बताओ। समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। आज बहुत लोग दिख नहीं रहे हैं यार। अनंत चटर्जी नहीं दिख रहा है, अंकित श्रीवास्तव नहीं दिख रहे हैं, मलिक गेमिंग नहीं दिख रहे हैं, बहुत लोग नहीं दिख रहे हैं आज।
अंशुमन अर्पित मिश्रा आ गई, ठीक है। संस्कृति आदित्य सिंह, आई एम न्यू हियर, चलो आज से रेगुलर हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या होगा, झटपट से बता दो। मनीष कुमार, यस सर, चलो आ गए मनीष भाई, बिटन चक्रवर्ती आ गए, चलो। अभिषेक ईसु, हेलो सर, हेलो भाई, चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, क्या होगा आंसर। एक दो लोग आंसर बताओ, उसके बाद फिर बताता हूं ये कैसे होगा। मिस्टी सेन नहीं दिखाई दे रही है, अगर अगर आप प्रेजेंट हो मिस्टी सेन, तो एक बार कमेंट में बता देना मुझे। प्रतीक नायक, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई, क्वेश्चन बनाओ जल्दी, टाइम से आया करो थोड़ा। मनीष कुमार बोल रहे हैं कि आंसर होगा बी, ठीक है, पता नहीं मुझे आंसर। मिस्टी सेन बी, अच्छा चलो आप प्रेजेंट हो बी, ठीक है। बिट्टन चक्रवर्ती ए, ए भी लोगा, ए भी बोला है लोगों ने। अंकित श्रीवास्तव, क्या आप प्रेजेंट हो। स्निग्धा ए, ठीक है, चलो देखते हैं। अ बॉडी इज रिवॉल्विंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड। कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है कि ये जो सर्कुलर मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एलोंग अ सर्कुलर पाथ इफ द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी इज रिवर्स कीपिंग स्पीड अनचेंज्ड। स्पीड की वैल्यू आप चेंज नहीं कर रहे हो लेकिन वेलोसिटी को रिवर्स कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल दे रहे हो। तो मान लो पहले कुछ सिचुएशन ऐसा था, मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन था पहले, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पहले ऐसे थे, यहां पर वी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो मैंने क्या मान लिया, वी। तो एक्सिलरेशन क्या होगा यहां पे, एक्सिलरेशन होगा यहां पर ए, तो ये मैं बोलूंगा ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और वी क्या होता है, वी होता है स्पीड। ये था फर्स्ट केस। अगर मैं सेकेंड केस की बात करूं तो सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सेकेंड केस में ये तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ना, उसको आप जस्ट रिवर्स कर दे रहे हो, क्या कर दे रहे हो, इसके डायरेक्शन को बदल दे रहे हो, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है मतलब स्पीड जो है वो अनचेंज्ड है, मतलब ये वी होगा। तो भाई साहब अभी भी जो एक्सेलरेशन है वो क्या लगेगा, ए लगेगा, सेंटर की टुवर्ड्स लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी स्क्वायर बाई आर ही होगा। तो ना ही डायरेक्शन बदला ना मैग्नीट्यूड बदला, मतलब द सेंट्रीपिटल फोर्स डज नॉट सफर एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जिसने जिसने ए बोला था बिल्कुल सही बोला था भाई साहब। मनीष कुमार आपका आंसर गलत था। पटेल आनस, माय नेम अनाउंस्ड, नए नए दिख रहे हो भाई, क्या बताऊं। श्रेया गौर, बी, बी नहीं होगा, ए होगा। एकलव्य बर्मन जी आ गए, आज अंकित श्रीवास्तव नहीं दिख रहे हैं भाई, और निखिल राठी नहीं दिख रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको क्या करना है, आपको आंसर करना है। फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्टेंट, बी वेरिएबल, सी समटाइम्स कॉन्स्टेंट, कभी कभी कॉन्स्टेंट होता है, डी नथिंग कैन बी सेड। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। जिसने इसका आंसर बता दिया भाई, समझ जाऊंगा कि उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। देखने में छोटा क्वेश्चन है लेकिन मुझे पता है बहुत लोग इसका आंसर गलत देंगे। एकलव्य बर्मन ए, चलो एकलव्य बर्मन जी बोल रहे हैं कि ए होगा आंसर, ए होगा आंसर, चलो। अंकित श्रीवास्तव, वेरिएबल,
स्निग्धा ए, स्निग्धा भी ए बोले, अंकित श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि ये वेरिएबल होगा आंसर। अंकित श्रीवास्तव अभी बोला है कि ए होगा वेरिएबल ड्यू टू डायरेक्शन चेंज। चंद्रशेखर चलो वो भी बता रहे हैं। बिटन चक्रवर्ती बी वेरिएबल, स्निग्धा जी बता रही हैं कि ए होगा, बिटन चक्रवर्ती बता रहे हैं बी होगा। चलो देखते हैं। अंशुमन अर्पित मिश्रा ए, फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज। तो अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो हर एक पॉइंट पे स्पीड क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगर यहां पर स्पीड क्या हुई, वी हुई, यहां पर स्पीड क्या हुई, वी हुई, तो यहां पे स्पीड क्या होगी, वी ही होगी। अगर इस सर्किल का मैं रेडियस क्या मान लूं, आर मान लूं, क्या मान लूं, सर्किल, सर्किल का रेडियस आर मान लूं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही टाइप का एसिलेशन होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल एसिलेशन। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि ये तो तुम्हारा चेंज हो नहीं रहा है अभी, तो हमेशा क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर बाई आर रहेगा। लेकिन आपसे एसिलेशन पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेशन नहीं पूछा है। एसिलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मिलकर बनती है। तो अगर मैं बोलूं भाई साहब मुझे बताओ कि यहां पे इस पॉइंट पे एसिलेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे जो एसिलेशन का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ये होगा सेंटर के टुवर्ड्स। यहां पे क्या होगा, यहां पर ये होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर सेंटर के टुवर्ड्स ये होगा। तो देखो भाई अभी डायरेक्शन ये था, अब ये हो गया, अब ये हो गया, मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, मतलब एसिलेशन ऑफ बॉडी वेरिएबल होगा ना कि कांस्टेंट होगा। जिसने जिसने बोला था गलत बोला था, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना। अगर यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेशन बोला होता ना, तब आप कांस्टेंट में टिक मार सकते थे। बोलो बात समझ में आई क्या। मिस्टी सेन भी बिल्कुल बी सही है, बिटन चक्रवर्ती भी बिल्कुल सही है भी। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट एन इक्विवेलेंट फोर्स, इट इज अ स्यूडो फोर्स। मतलब सर ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना। अगर मान लो तुम्हारे पास एक कैबिन है और इस कैबिन में क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक लटका, ब्लॉक रखा हुआ है, सपोज करो एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये कैबिन जो है इस रेडियस आर पर क्या कर रही है, ओमेगा स्पीड से घूम रही है। क्या घूम रही है, ओमेगा स्पीड से घूम रही है। इतनी बात हमको समझ में आता है। तो भाई साहब अगर मैं यहां पर खड़ा हूं ग्राउंड पे, एक ऑब्जर्वर है ए और एक ऑब्जर्वर है जो कि बी है, जो कि इसी कैबिन में खड़ा है, जो कैबिन घूम रहा है ओमेगा स्पीड से, तो मैंने बताया था कि अगर तुम्हारे पास एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर बॉडी सर्किल में मूव कर रही है, तो उस बॉडी के पास क्या होता है, एसिलेशन होता है अंदर की ओर, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी घूम रही है तो उसके पास एसिलरेशन होता है अंदर की ओर टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर ये ऑब्जर्वर इसमें बैठ गया कैबिन में और ये कैबिन रोटेट कर रहा है, मतलब सर्किल में घूम रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको सर्किल में घूमना है, अगर इसको सर्किल में घूम रहा है तो इस आदमी के पास भी क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल एसिलेशन होना चाहिए। और अगर कोई बॉडी घूम रहा है तो उसके पास क्या होता है, एसिलेशन ए होता है, और उसी कैबिन के अंदर ये क्या है, आदमी खड़ा है। तो याद आ गया सर कि ये वाला जो आदमी है वो कहां है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अब अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है भाई साहब, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉस को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सूडो फोर्स लगाते हैं बॉडी पर। क्या लगाते हैं, एक सूडो फोर्स लगाते हैं बॉडी पर, ठीक है। तो भाई साहब अगर ये बॉडी ऐसे घूम रही है, तो ये वाली बॉडी जो है इसके अंदर में रखी हुई है कैबिन के अंदर, तो अगर कैबिन घूम रहा है तो ये बॉडी भी घूम रही है ऐसे। क्या घूम रही है, ये बॉडी भी घूम रही है ऐसे। तो इस बॉडी को घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल एसिलेशन होना चाहिए सेंटर के टुवर्ड, क्योंकि भाई ये रेडियस आ रहा है ना, इसके अबाउट घूम रहा है ना, तो सेंटर कहीं इस पर लाई करेगा।
तो ए अंदर की ओर होना चाहिए, सेंटर के टुवर्ड्स। लेकिन अगर आप अंदर बैठ गए हो तो बोलोगे अगर मैं इसका एबीडी बनाऊंगा, इस ब्लॉक का एबीडी बनाऊंगा अंदर बैठ के, बी ऑब्जर्वर के लिए बात कर रहा हूं, तो बोलोगे अगर इसका एबीडी बनाएंगे तो हम इस पे एक सूडो फोर्स भी लगाएंगे। लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था। और सूडो फोर्स क्या करेंगे, सूडो फोर्स कैसे लगाएंगे, सूडो फोर्स लगाएंगे हम लोग जिसमें आप बैठे हो उसका एसिलेशन का डायरेक्शन। देखो तो आप जिसमें बैठे हो तो उसका एसिलेशन का डायरेक्शन क्या है, सेंटर की टुवर्ड्स मतलब इधर, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दो, बॉडी को एसिलेशन दे दो। और जिस बॉडी का एफबीडी बना रहे हो उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मास अगर मैं मान लेता हूं एम, तो इसका भी मास होगा एम। अब इस ए की वैल्यू, सेंट्रीपिटल एसिलेशन की वैल्यू ओमेगा के टर्म्स में क्या होती है, होती है तुम्हारे पास एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। एम एम ए का लिख दिए एम ओमेगा स्क्वायर आर। और ये किस डायरेक्शन में लगेगा, आउटवर्ड्स लगेगा। लेकिन ये कब लगाए, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाए। तो ये जो तुमने एम ओमेगा स्क्वायर आर लगाया है ना, ये क्या लगाया है, ये आपने लगाया है सूडो फोर्स। क्योंकि आप एफबीडी अब तब बना रहे हो जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। तो जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो तो आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी को सर्कुलर मोशन में इसी सूडो फोर्स का दूसरा नाम रख दिया जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब सूडो फोर्स ही है भाई साहब, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझे समझे, तो मुझे एक बात बताओ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी, क्या बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, यस और नो में आपको आंसर देना है। चलो बताओ, अगर इतना समझ गया तो लॉज ऑफ मोशन जो पढ़ा होगा ना वही इस कॉन्सेप्ट को समझ पाया होगा। चलो नीट क्रैक बायोलॉजी हाउस 488 इन नीट ओनली विद फिजिक्स क्रैश कोर्स विद 12th। अरे बहुत सही बहुत सही, आप एक बार चाहो तो ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि सिर्फ क्रैश कोर्स से 488 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती है। श्रेया गौर नो, समय वालिया यस सर, मनीष कुमार नो, समय वालिया नो, मिस्टी सेन नो। अरे इसका आंसर नो होगा ना भाई साहब, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कुछ नहीं बल्कि सूडो फोर्स ही है। और जब मैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था सूडो फोर्स मतलब क्या होता है, एक इमेजिनरी फोर्स, वो बॉडी पे लगता नहीं है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो बॉडी पे लग रहा होगा ताकि हम लोग न्यूटन्स लॉज को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगा सके। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक रियल फोर्स है ही नहीं, ये बॉडी पे लगता ही नहीं है, नॉट अ रियल फोर्स, ये बॉडी पे लगता ही नहीं है भाई साहब, क्योंकि ये खुद एक सूडो फोर्स है। बोलो क्लियर है क्या। मोहक सोलांकी प्रेजेंट सर, अरे लेट हो भाई तुम बहुत, बताओ समझ में आई बात, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो फटाफट। एकलव्य बर्मन यस सर, चलो समझ में आ गया। और लोग बताओ भाई, आज अनंत चटर्जी नहीं दिख रहे हैं। मनीष कुमार जी सर, मुस्कान भारती यस सर, नया नाम दिख रहा है मुझे आज। श्रेया गौर क्लियर सर, समय वालिया डन सर, समय वालिया गलत मत करो यार, मैं तो ये पेड बैच में पढ़ा चुका हूं और मैंने वहां साफ साफ बताया था कि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता नहीं है। लास्ट वाला एक्सप्लेन एकलव्य बर्मन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी, देखो लॉज ऑफ मोशन देखोगे ना तभी समझ में आएगा। अरे मैंने बताया ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एक सूडो फोर्स होता है। और सूडो फोर्स कब लगाते हैं, जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। और वो लगाते ही क्यों है, ताकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लॉज ऑफ मोशन लगा सको। तो आप क्या करते हो, सूडो फोर्स को एज्यूम करते हो कि बॉडी पे लग रहा होगा ताकि आप लॉज ऑफ मोशन बस यूज कर सको। तो सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स होता है, वो बॉडी पे नहीं लगता है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बॉडी पे नहीं लगता है। बिटन चक्रवर्ती मेकिंग नोट्स, बहुत सही बहुत सही। चलो जो जो हिंदी में बोल रहा हूं सब कुछ लिखते जाना, ठीक। चलो अब इस क्वेश्चन को उड़ाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ।
मुझे पता है बच्चे गलती कर देंगे, ठीक है ना? इसको लाइन को अच्छे से पढ़ लेना भाई, क्वेश्चन का लाइन क्या बोल रहा है। ड्रीम एमबीएस, हेलो सर। अरे हेलो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो ना यार। देख लेता हूँ आपके कमेंट, अब स्टार्टिंग में आओगे तब ना हेलो सर बोलूंगा। उदय आ गया सर, चलो बताओ इसका आंसर। सबका आंसर सही आना चाहिए। मेघा राय बी, एकलव्य बर्मन बी, मनीष कुमार डी। अरे मनीष कुमार भाई गलत मत करो यार, अच्छे स्टूडेंट हो। डी नहीं होगा यार, इसका आंसर बी होगा, बी। डी, इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं। अरे भाई क्वेश्चन में जब लिखा है नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तो आप क्यों देख रहे हो इनर्शियल से? क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है। अंकित श्रीवास्तव, डी नहीं भाई, डी नहीं होगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। अ पार्टिकल ऑफ मास एम रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। एक पार्टिकल है जो कि एम है, जो कि एंगुलर स्पीड ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्वेश्चन में गिवन है, इट इज व्यूड फ्रॉम अ फ्रेम रोटेटिंग अबाउट द जेड एक्सिस विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। इस पार्टिकल को आप देख कहां से रहे हो? आप इस पार्टिकल को देख रहे हो एक ऐसे फ्रेम से जो कि खुद रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से। तो ये पार्टिकल तो घूम ही रहा है ओमेगा से, और इस पार्टिकल को आप देख कहां से रहे हो? इस पार्टिकल को आप देख रहे हो एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो कि खुद क्या कर रहा है, ओमेगा नॉट से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ओमेगा और ओमेगा नॉट में भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, ए और बी में भी कंफ्यूजन हो जाएगा। भाई साहब सूडो फोर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग? सूडो फोर्स के लिए क्या करते हैं, जो भी फ्रेम ऑफ रिफरेंस का जिसपे आप खड़े हो उसका एक्सिलरेशन होगा, जो उस बॉडी को उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सिलरेशन दे दो। तो आप किसमें खड़े हो? आप इसमें खड़े हो। इस बॉडी का एक्सिलरेशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा नॉट। तो इस बॉडी का जहां पे आप खड़े हो उसमें कितना लग रहा होगा सेंटर की तरफ एक्सिलरेशन, लगेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर। और जब आप बॉडी का एफबीडी बनाओगे तो आप क्या बोलोगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दो, ओमेगा नॉट स्क्वायर दे दो आर, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर दे दो, और इसका जितना भी मास है उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इस पे हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया होता कि भाई आपको इनर्शियल फ्रेम से देखना है, तब इसका आंसर होता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो। बोलो बात समझ में आई या फिर से बताऊं? बहुत सारे बच्चे ए भी मार दिए होंगे अगर सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो। बताओ क्या क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर सर? नेमो मनीष कुमार क्लियर सर? उदय ननावारे क्लियर है? ओके सर, कंफ्यूज हो गया था मैं। गुलशन शर्मा जी सर, गुलशन शर्मा दिख गए। अंकित श्रीवास्तव यस सर, अंकित श्रीवास्तव मत गलती करो यार, काफी अच्छा आप आंसर करते हो, बाकी सभी बच्चे आंसर अच्छा करते हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन में मेंशन इट इज व्यूड फ्रॉम अ फ्रेम रोटेटिंग, और यहाँ पे ओमेगा मत लिख देना, बच्चे ए भी मार देंगे। जिसमें आप खड़े हो उसका एक्सीलरेशन एफबीडी बनाते समय ऑपोजिट डायरेक्शन में देना है, ठीक है? चलो अगर ये क्लियर हो गया तो अब बनाओ इस क्वेश्चन को। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, सुंदर क्वेश्चन है। सर दूसरे केस में जीरो कैसे होता स्निग्धा? जैसे मान लो क्वेश्चन में क्या दिया रहता, ये लिखा ना, इट इज व्यूड फ्रॉम अ फ्रेम रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। तो लिखा यहां होता कि इट इज व्यूड फ्रॉम ग्राउंड। तो अगर आप ग्राउंड से देखते तो क्या सूडो फोर्स लगाने की जरूरत होती है?
नहीं होती है ना, तो आप क्या बोलते, अगर सूडो फोर्स ही नहीं लगाओगे ग्राउंड से देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा ही नहीं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही सूडो फोर्स होता है। तो आंसर होता है डी, जीरो। चलो समझ में आया। समीर कुमार अग्रवाल, हेलो सर, हेलो भाई, क्वेश्चन बनाओ। अंकित श्रीवास्तव बी, मोमेंटम चेंजेस बाय 2 mv। ठीक स्निग्धा, यस सर, चलो अंकित श्रीवास्तव बी बी बी, ठीक है चलो देखते हैं, बी 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 देखते हैं बना के भाई साहब, क्या आंसर बी होगा, और लोग आंसर बता दो। बिटन चक्रवर्ती सी, अगर काइनेटिक एनर्जी किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है बॉडी की, वो क्या होती है, हाफ इंटू मास ऑफ बॉडी इंटू वी स्क्वायर, और यहाँ जो वी है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ बॉडी, नॉट द वेलोसिटी, स्पीड ऑफ बॉडी, एम होता है मास ऑफ बॉडी। श्रेया गौर ए, मोमेंटम डज नॉट चेंज। मेघा राय सी, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाई हाफ एम बी स्क्वायर। लो भाई एबीसी तीनों बोल दिया, आपको डी भी बोल दो। मिस्टी सेन सी, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाई हाफ एम बी स्क्वायर। मनीष कुमार बी, मोमेंटम चेंजेस बाई 2 mv। गुलशन शर्मा सी, अरे भाई एबीसी है, आपने सब सब कुछ बोल दिया भाई आपने, ऐसा क्या था क्वेश्चन में, देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है भाई साहब, कि वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, इसका मतलब समझो, अगर मान लो बॉडी तुम्हारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्किल थोड़ा खराब बनाता हूं भाई, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट क्या होता है, देखो इसका डायमीटर क्या होगा, ये डायमीटर होगा, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मतलब हुआ कि पॉइंट ए है और बॉडी घूम के आ गया और पॉइंट बी पे आ गया, और चूंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कैसे पता चला, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है v, तो यहां पे अगर मैं बोलूं कर बॉडी ऐसे घूम रहा है तो यहां डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी v, और बॉडी ऐसे घूम रहा है तो यहां डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, v, और v ही रहेगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इतना तो हमको समझ में आ गया। अच्छा तो अब पहला क्या बोला, मोमेंटम डज नॉट चेंज, अरे भाई मोमेंटम बदल रहा है ना, क्योंकि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है जो, वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे होता है, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर होता है तो वेलोसिटी का अभी ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन यहाँ पर ये है, तो अगर डायरेक्शन बदल गया मतलब मोमेंटम बदलेगा, मतलब लिखा है मोमेंटम डज नॉट चेंज, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। अब देखते हैं सी, देखते हैं पहले, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाई हाफ एम बी स्क्वायर, तो यहाँ पे v क्या होता है, स्पीड ऑफ बॉडी होता है, तो मैं इस पॉइंट पे बोलूं अगर बॉडी का मास m है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर होगी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, और यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ भी होगी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी स्पीड v है, तो अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, बोलूंगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगा, तो तुम्हारा सी भी नहीं हो सकता है भाई, और काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय एम वी स्क्वायर चेंजेस बाई जीरो, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। और ई कैसे सर, अरे भाई साहब अगर आप ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो और नीचे का डायरेक्शन को निगेटिव मान लो, ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपने मोमेंटम लिखा है और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ए पे मोमेंटम कितना होगा, पी ए, ये होगा तुम्हारे पास ऊपर की ओर, आपने पॉजिटिव लिया है तो ये एम इंटू वी होगा, और पी बी पे लिखूंगा तो कितना होगा, पी बी इज इक्वल टू, ये निगेटिव डायरेक्शन है तो मास इंटू वेलोसिटी, मतलब ये होगा माइनस एम वी, क्योंकि ये नीचे का डायरेक्शन है, तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, पी बी माइनस पी ए, पी बी मतलब माइनस एम वी, पी बी मतलब माइनस एम वी, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, माइनस 2 mv, मतलब मोमेंटम चेंजेस बाई 2 mv, ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। शायद एक बच्चे ने आंसर बस सही दिया था, अंकित श्रीवास्तव ने। बताओ मनीष कुमार भाई, पहले तुमने गलत किया था, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई समस्या तो पूछ लो एकदम झमाझम करके। चलो कोई दिक्कत कोई समस्या तो पूछ लो।
क्लियर है तो क्लियर बोल दे एक बार। एकलव्य बर्मन, यस सर, क्लियर है। चलो मनीष कुमार भी बोल दिया था, चलो कोई बात नहीं। और लोग बताओ, अगर कोई डाउट है तो जल्दी पूछो। उदय, यू आर ऑसम सर, चलो चलो, थैंक यू सो मच। चलो प्लीज रिप्लाई में, हाँ तो एकलव्य बर्मन बताओ ना, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट लिखा करो, ठीक है ना, डायरेक्ट जो डाउट होता है वो लिखा करो, ये नहीं कि हेलो सर यस सर यस सर। चलो बताओ कोई समस्या है तो, बढ़ते हैं आगे। अभी एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा ना भाई, बहुत लोग गलत कर देंगे, मुझे पता है बहुत लोग गलत कर देंगे। मिस्टी सेन, यस सर। मेघा राय, क्लियर सर। चलो भाई, माइकल जैक्सन जी पधार चुके हैं, हाय बोल रहे हैं, हाय भाई, हाय हाय हाय। चलो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन के बाद में अपना क्वेश्चन दूंगा, ठीक ना, इस क्वेश्चन को करो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये भाई, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बनाओ इसको, जो बना देगा मजा आ जाएगा भाई। अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजेंटल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अ प्लंब बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय अ लाइट रॉड। लाइट रॉड मतलब क्या होता है भाई साहब, कि तुम्हारे पास वो स्प्रिंग की तरह ही बिहेव करता है और वो मासलेस है। लाइट मतलब क्या होता है, मासलेस होता है। ऑफ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, द एंगल मेड बाय द रॉड विद द ट्रैक इज, बताओ। माइकल जैक्सन 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। एकलव्य बर्मन बी, चलो बी पे मार दिया जाए, टिक लगाओ सर ताला इस पे। बाकी और कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी आंसर दे दो। मिस्टी सेन सी, चलो। मेघा राय सी, मनीष कुमार सी, नेमो सी, अंकित श्रीवास्तव सी, अनंत चटर्जी आज गायब। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत सुंदर क्वेश्चन है भाई साहब। A car is moving in a circular horizontal track of radius 10 meter with a constant speed of 10 meter per second. अब constant speed से अगर वो move कर रहा है तो हमको यहां से ये बात समझ में आ जाती है कि ये question uniform circular motion का है। सबसे पहले यही पहचानना है, lecture number 1 में मैंने बताया था। A plumb bob is suspended from the roof of the car by a light rod of length 1 meter. The angle made by the rod with the track is, स्निग्धा B, 30 degree. चलो देखते हैं, तुम्हारे पास सर्कुलर हॉरिजेंटल ट्रैक है, ऐसे है, देखो ये ट्रैक ऐसे है और इसमें कार जो है ना वो मूव कर रहा है। तो मान लो पहले यहाँ पे क्या है, कार है, कार मूव कर रहा है, और कार जो है, कार की तुम्हारे पास कांस्टेंट स्पीड है, कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, वी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर इस कार को इस सर्कुलर मोशन में घूमना है तो इस कार के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए अंदर की ओर, इतनी बात समझ में आती है। अब इस कार में क्या है, एक बॉब सस्पेंडेड है, और कितने बड़े रॉड से, 1 मीटर लेंथ के रॉड से। तो मतलब इसमें जो बॉब यहां पर क्या है, सस्पेंडेड है, उसकी मैं बात करता हूं। तो बॉब इसमें जो सस्पेंडेड है ये है, ठीक है। तो एंगल मेड बाय द रॉड विद द ट्रैक इज, तुम्हारे जब यहां पे कार है तो ट्रैक क्या है, ट्रैक तुम्हारा कुछ ऐसा है। तो ट्रैक मतलब क्या, ट्रैक, इसी ट्रैक के साथ ये बॉब कितना एंगल बनाएगा आपको बताना है। बोलोगे सर ये इधर जाएगा भी क्यों, पहले ये तो बता दो। अगर आप ग्राउंड से देखते हो तो इसको सोचना कि ये इधर क्यों जाएगा थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इसी करवा में बैठ के बोलोगे ना कि ये इधर क्यों जाएगा बॉब, तो आप बोलोगे मैं क्या करूंगा, ये कार ऐसे घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका अंदर की ओर है, और मैं कार के अंदर बैठ के नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर इसका एफबीडी बनाऊंगा तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको क्या करेगा, यहां पे इंक्लाइन कर देगा। मान लेते हैं कि ट्रैक के साथ वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो यहां पे देखो भाई, जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, मैंने बोला कि क्या करता है, लाइट रॉड स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता है, तो यहां पे लगेगा टेंशन, ठीक है। अब ये देखो, ये कुछ इस तरीके से यहां पे लगेगा टेंशन। तो अगर यहां पे टेंशन लगेगा तो ये थीटा एंगल है, तो खेलम खिलाई कर दोगे तो ये भी थीटा एंगल। तो अगर ये टी है भाई साहब, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, टी कॉस थीटा होगा,
और अगर इस बॉब का मास मान लेता हूं एम, तो नीचे की तरह क्या लगेगा, धरती माता मुझे कुछ नहीं आता एम जी। इसका इधर की ओर कॉम्पोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा। अब जरा मुझे ये बताओ कि अगर ये कार घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, तो कार के अंदर का हर एक पार्ट भी घूम रहा होगा ना सर्कुलर मोशन में, तो इस बॉब को सर्कुलर मोशन कौन करवा रहा है, इसके पास एक सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स होना चाहिए। देखो सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स है तुम्हारे पास, इस बॉब के पास ये, तो ये सेंटर के टुवर्ड्स में फोर्स जो लगता है वो किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, इसका जितना मास है एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर, अगर इसका रेडियस सर्कुलर ट्रैक का आर है और यहां पे इसकी स्पीड वी है। अब ये जो तुम्हारे पास बॉब है यू यू करके मूव नहीं कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो दोनों डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू झमाझम करके एम वी स्क्वायर बाई आर बाई एम जी। कट्टम कुट्टुम करो भाई, चलो कर दिए, टी और टी हो गया कैंसिल, टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, वी स्क्वायर बाई आर जी। डायरेक्ट भी आप इसको रिजल्ट के तौर पे याद रख सकते हो। ये थीटा क्या है, एंगल मेड विद द ट्रैक है, तो वी रखो, वी दिया है क्या, नहीं दिया है सर, तो ई क्या दिया है, वी ही दिया है। तो तुम्हारे पास वी रखोगे तो वी तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा तुम्हारे पास, वी रखोगे तो वी स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 बाई आर, आर कितना दिया है रेडियस, रेडियस दिया 10 मीटर, तो ये हुआ तुम्हारे पास 10 मीटर इंटू जी, जी की वैल्यू लो 10, तो कट्टम कुट्टुम खेलम खिलाई कर दिए, थोड़ी सी गलती कर दिए, तो टैन थीटा की वैल्यू 1, और यहां से थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, मतलब एंगल मेड विद द ट्रैक विल बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आपका आंसर गलत था स्निग्धा जी, ठीक है 45 डिग्री होगा। अगर कोई समस्या कोई दिक्कत है तो बताओ। राम शुक्ला, ओजोन क्लासेस पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी है स्प्रिंट बैच की, उधर मिल जाएगा। बिल्कुल सही राम शुक्ला, मतलब आप देखते हो लेक्चर। अंशुमन अर्पित मिश्रा 45 डिग्री, चलो सही है। बिटन चक्रवर्ती टफ क्वेश्चन, हाँ ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चन माना जाता है सर्कुलर मोशन का। अन्नो सर, लॉज ऑफ मोशन फुल लेसन कहाँ है आपका, चैनल पे ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना, स्प्रिंट बैच नाम से आप चेक कर सकते हो। बोलो क्लियर है तो बढ़ता हूं आगे, अगर क्लियर है तो बढ़ता हूं आगे। एकलव्य बर्मन, एक्सप्लेन वन मोर टाइम, अगर सिर्फ एक्सप्लेन ही करना है कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि थोड़ा एफर्ट ज्यादा लग जाता है भाई दोबारा उसी चीज को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। अगर कोई समस्या है तो पूछो, मैं बताता हूं, ठीक है ना, अगर कोई समस्या है तो मैं बताता हूं, लेकिन अगर दोबारा बस सुनना ही है एक्सप्लेन करना है तो दोबारा से सुन लेना, ठीक है ना, बुरा मत मानना, दोबारा से सुन लेना, जब लेक्चर खत्म होगा रिवाइंड करके सुन लेना, समझ में आ जाएगा। चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, जो बना दिया ना मान जाऊंगा उसको। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं अपना, A body is undergoing uniform circular motion, ठीक है, if F is the centripetal force, centripetal force acting on it and body is seen from the ground, F centripetal force है, centrifugal नहीं है लिख रहे ना, and body is seen from the ground, ठीक है, then which of the following is the correct FBD of, correct FBD, FBD मतलब क्या, free body diagram of body, तो
पास जो एफ डबल डैश है वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। चलो ऑप्शन नंबर ए, ये तुम्हारे पास स्प्रिंग है और ये तुम्हारे पास बॉब है और ये तुम्हारा कुछ ऐसे करके सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट में, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा हो गया, बी ऑप्शन। ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, ऐसे सब में मतलब ऐसे ही मोशन कर रहा है, देखो इसके अबाउट में सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट में, ठीक है। चलो अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे फोर्स लगाता हूं। ये स्प्रिंग है, याद रखना क्या है, स्प्रिंग है तुम्हारे पास, और कैसा स्ट्रिंग है? मासलेस स्ट्रिंग है सभी केसेस में, और इसका मास जो है वो कितना, एम है, मास कितना है, एम है। तो ये हुआ टी और ये हुआ एमजी, ये हुआ टी और ये हुआ एम जी, और एफ क्या है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर के टुवर्ड्स में ये सेंटर है तुम्हारा, वो क्या है तुम्हारे पास, सेंटर है, ऐसे सर्किल घूम रहा है, ऐसे सर्किल में घूम रहा है, और ये हो गया तुम्हारे पास एफ, ठीक है। अच्छा ये तुम्हारे पास हुआ टी, ये हुआ तुम्हारे पास एम जी, और ये हुआ तुम्हारे पास एफ मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये हुआ तुम्हारे पास एफ डबल डैश मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये हुआ तुम्हारे पास टी, ये हुआ तुम्हारे पास एम जी, और ये हुआ तुम्हारे पास एफ, बताओ कौन सा एफ बी डी सही है? चलो बताओ ऑप्शन ए बी सी डी। अन्नू सर एक्सप्लेन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोबारा से लेक्चर देख लेना, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट आए, ठीक है ना? लॉज ऑफ मोशन पहले देखना तब जाके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लियर होगा, नहीं तो हमेशा डाउट में रहोगे। विटन चक्रवर्ती ए, मनीष कुमार ए, नेमो सी, मिस्टी सेन ए, सी किसने बोला भाई साहब? अच्छा सी 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 नेमो ने बोला, एकलव्य बर्मन ए, मनीष कुशवाहा ए, अंकित श्रीवास्तव डी। अरे भाई अंकित श्रीवास्तव, श्रेया गौर ए, मनीष कुशवाहा सी। लो भाई साहब बी भी कोई बोलो, बी जल्दी बोलो भाई साहब। मेघा राय सी, गुलशन शर्मा सी, बी भी कोई बोल दो। अरे तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है, धक धक कर रहा है सर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लगाना साख। स्निग्धा बी, लो भाई बी आ गया, ठीक, जिसने जिसने ए बोला है बिल्कुल सही बोला है। चलो सबसे पहले तो यहां पे पढ़ो, बॉडी इज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड कैसा होता है, ग्राउंड होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप एफ डैश तो एफ डबल डैश तो लगाओगे नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे ही नहीं बॉडी पे, तो एफ डबल डैश तो लगेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो इसमें एफ डबल डैश लगा हुआ है, ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आती है। अब देखते हैं बी और सी में बस अंतर क्या है कि इधर एफ ये लगा हुआ है, अंदर ये एफ ये लगा हुआ है। एफ क्या होता है? एफ होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, याद करो, अपने नोट्स पलट के देखो, अगर हैंड रिटन नोट्स बनाए होगे तो मैंने बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स को कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स, इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट। तो बॉडी अगर इसके अबाउट में घूम रही है ना, इसके अबाउट में, और ये एंगल अगर मान लो थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और इसका कॉम्पोनेंट इधर आएगा एम जी कॉस थीटा। तो सेंटर के टुवर्ड्स में नेट फोर्स क्या है, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये जो टी माइनस एम जी कॉस थीटा है ना वो तुम्हें क्या देगा, एम वी स्क्वायर बाई आर देगा, मतलब तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो भाई अगर यही इसके इक्वल है, सॉरी यही इसके इक्वल है एफ के इक्वल, तो आप एफ को दिखाओ चाहे टी माइनस एम जी कॉस थीटा को दिखाओ, मतलब बात सेम है, आप दोनों को साथ नहीं दिखा सकते हो। नोट्स पलट के देखो भाई साहब, मैंने ये चीज आपको बताई है, क्या बताओ ये चीज क्लियर है आपको?
ये चीज क्या क्लियर है आपको? बताओ, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अंशुमन अर्पित मिश्रा खत्म। टी ही एफ है, टी ही एफ नहीं है, टी माइनस एम जी कॉस थीटा एफ है, सेंटर के टुवर्ड्स में जो नेट फोर्स होता है। बताओ अंकित श्रीवास्तव जी, आपने गलत कर दिया था। क्लियर है तो बोलो, बढ़ते हैं आगे। क्या क्लियर है? मेघा राय, नो सर, बताओ ना क्या दिक्कत है। डायरेक्ट लिखा करो अपना डाउट, ठीक है ना, क्योंकि मैं कम से कम 1 मिनट तक कमेंट पढ़ता हूं। टी, अरे टेंशन है भाई, अगर ये स्ट्रिंग है तो ये टेंशन ही ना होगा। लॉज ऑफ मोशन देखो भाई पहले जाके, सिक्वेंस में नहीं देखोगे तो यही दिक्कत होता है। टी है टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। श्रेया गौर, क्लियर सर। अंकित श्रीवास्तव, यस सर क्लियर है। अगर डाउट होगा तो जरूर पूछ लेना। हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाना भाई साहब, नहीं बनाओगे तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। आप रेगुलर आ तो जाते हो लेकिन हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत है। चलो मनीष कुमार, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था, ऑल क्लियर। चलो समझ आ गया। मेघा राय, क्या दिक्कत थी जरा बताओ मुझे। बिटन चक्रवर्ती, टेंशन इज आल्सो इन आवर माइंड। होगा ही भाई, एग्जाम जब पास में, सॉरी रिजल्ट जब पास में आता है तो होता ही है टेंशन। चलो इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है ना, उसके बाद फिर मैं क्या स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं यूनिफॉर्म सॉरी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट करूंगा। चलो मेघा राय, एफ डबल डैश फोर्स कहां लगेगी? मैंने क्या बताया कि जो एफ डबल डैश फोर्स है, एफ डबल डैश जो फोर्स है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स होता है। सूडो फोर्स कब लगाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में मतलब क्या होता है कि अगर आप उस बॉडी पे ही बैठ जाओ तब लगाओगे एफ डबल डैश। ग्राउंड से देखोगे तो ग्राउंड से आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो तो उस समय एफ डबल डैश नहीं लगाओगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगाओगे। क्या क्लियर है? उदय ए जीरो, अरे भाई चेंज इन स्पीड नहीं, चेंज इन वेलोसिटी पूछा हुआ है। मेघा राय, जी सर कोई बात नहीं मेघा राय, दोबारा से सुनना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा तभी लगाएंगे जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। जो मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाया है ना उसमें, दोबारा से देखना आपको समझ में आ जाएगा। नेमो डी, नेमो नेमो नेमो। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं फटाक से। द लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड इन अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर, द चेंज इन इट्स वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी आपको बताना है। देखो तुम्हारे पास जो घर में घड़ी लगी होती है ना, जो वॉच लगा होता है ना, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिख लेना इस चीज को अगर नहीं जानते हो। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ तो अगर चेंज इन स्पीड पूछा होता तो आप क्या बोलते, जीरो बोलते, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होता। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड चेंज नहीं होता भाई साहब तो आप क्या बोलते, चेंज इन स्पीड जीरो है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी आपसे पूछा है कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। तो भाई साहब अगर आप घर में देखे होगे घड़ी तो ये 12, 1 है, 2, 3। तो अगर तुम्हारे पास, अगर आपको गलती से भी टाइम देखने आता है और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है सेकंड हैंड की बात कर रहा है जो सेकंड्स में मेजर करता है टाइम, तो 15 सेकंड कब होगा, जब ये वाली सुई यहां पर आ जाएगी 3 पे, हो जाता है ना 15 सेकंड। मतलब क्या हुआ कि वो 90 डिग्री ट्रेवल कर चुकी है।
तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैं इसका स्पीड अगर यहाँ पे v मान लूं तो यहाँ भी क्या होगा, v होगा लेकिन इस डायरेक्शन में होगा। अब डायरेक्शन चेंज हो गया तो चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी ही, ठीक है। तो देखो भाई साहब, अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है तो फाइनल वेलोसिटी किधर है, देखो ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी किधर है, ऐसे। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, इसके डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर देना होगा चेंज, क्योंकि अगर आप पैरेलल शिफ्ट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, वेक्टर तो चेंज होता नहीं है पैरेलल शिफ्ट होने से। अगर चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, इसको जस्ट रिवर्स कर देना होगा, ये हो जाएगा माइनस बी। और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ये हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट टू वी। तो ये आया तुम्हारे पास क्या, चेंज इन वेलोसिटी। अब मैंने बताया था कि v और ओमेगा में रिलेशन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा r, तो v के जगह मैं रख दे रहा हूं यहां पे ओमेगा r, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है टाइम पीरियड के टर्म्स में, 2 पाई बाई टी इंटू आर। रेडियस गिवन है, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड में आपको आंसर भी निकालना है, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा तो इसको सॉल्व करोगे कि कितना हो गया, रूट टू इंटू टू पाई बाई टी बचा तुम्हारे पास, रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी तुम्हारे पास क्या आ गई, चेंज इन वेलोसिटी तुम्हारे पास आ गई रूट टू इंटू टू पाई बाई टी इंटू रेडियस, रेडियस तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर। अब टी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन सर्किल। तो मुझे बताओ भाई, अगर ये सेकेंड हैंड यहां से शुरू करता है और ये पूरा अगर कंप्लीट सर्किल घूम के ऐसे करके दोबारा यहां पे आ जाता है तो कितना टाइम लेता है। अरे सर, सेकेंड हैंड अगर ऐसे करके पूरा यहां से यहां तक ऐसे घूम जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि 60 सेकेंड हो गया। तो सेकेंड हैंड का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 60 सेकेंड होगा। तो मैं कितना रख दूंगा, टी के जगह 60 रख दूंगा, कट्टम कुट्टम करो, ये 1 था, ये हो गया 30, तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया, पाई रूट टू बाई 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे बच्चे चकरा गए होंगे कि कैसे हो गया, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी मैंने पढ़ाया था वेक्टर्स में और रिलेटिव मोशन में, ठीक है। बताओ क्या क्लियर है, चांद तारे फूल सफनम मेरे बच्चों के जैसा कौन है, नीट एस्पिरेंट। बताओ भाई, पेड बैच में क्या मजा आ रहा है, नीट एस्पिरेंट। अंकित श्रीवास्तव डी, सर इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल के सॉल्व कर सकते हैं क्या, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा भाई साहब। देख लो भाई, चेंज इन स्पीड पूछ रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, अच्छे से देख लिया करो। चलो क्लियर है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ। किधर बढ़ेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ, नीट एस्पिरेंट। हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है, एकलव्य बर्मन एक्सप्लेन वन मोर टाइम, सिर्फ एक्सप्लेन करना है तो दोबारा देखेंगे ना यार, कोई दिक्कत और समस्या होती है ना कॉन्सेप्ट में तो वो पूछा करो, ठीक है। चलो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो भाई साहब, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती थी, वहां पे क्या होता था, वहां पे स्पीड की वैल्यू क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी, स्पीड की वैल्यू वहां पे क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी, स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट होती थी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, स्पीड की वैल्यू भी क्या होती है, वेरिएबल होती है। मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तुम्हारा भाई साहब, अगर मान लो तुम्हारे पास स्पीड यहां पर v होती थी तो यहां भी स्पीड क्या होती थी, v होती थी, और यहां पे भी स्पीड क्या होती थी, v होती थी, और यहां पे भी स्पीड क्या होती थी, v होती थी, यहां पे भी स्पीड v होती थी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट लिखा रहेगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर अगर स्पीड वेरिएबल दिया होगा तो समझ जाना कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो। तो स्पीड वेरिएबल मतलब क्या हुआ कि अगर अब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो तुम्हारी जो स्पीड है, अगर यहां पर v1 है तो यहां कुछ होगी v2,
यहां पे होगी वी थ्री और यहां पे कुछ होगा वी फोर, और ये जो स्पीड है वो क्या होंगी, इक्वल नहीं होंगी, मतलब वी वन इज नॉट इक्वल टू वी टू इज नॉट इक्वल टू वी थ्री इज नॉट इक्वल टू वी फोर होगा। स्पीड यहां पे कॉन्स्टेंट नहीं है, स्पीड की वैल्यू बदलेगी। तो सर आपने बताया कि स्पीड की वैल्यू भी बदलेगी, तो अगर स्पीड की अगर वैल्यू बदल गई भाई साहब, तो सबसे पहले तो अगर इस बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है, अगर इस बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है तो किसी भी बॉडी को सर्किल में घूमने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए होता है जो कि हमेशा सेंटर की ओर लगता है। तो सर यहाँ स्पीड तो सर कॉन्स्टेंट नहीं है, तो अब क्या करेंगे? अरे स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है तो हम लोग किसी इंस्टेंट पे बात करेंगे। मान लो बॉडी घूम रही है और ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और मान लो बॉडी यहां पर है और यहां पे इस समय इसकी स्पीड है वी वन, तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर ही रहा है ना, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए ये तो नेसेसरी है कि अंदर की ओर इस समय इस इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं, जब पार्टिकल यहां पे ए पे है तो यहां पे इसकी कितनी होगी वैल्यू, एसी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एसी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसकी वैल्यू इस समय होगी वी वन स्क्वायर बाई आर, ठीक है, अगर इसका रेडियस क्या है आर है। अब सर आपने बोला कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यहां पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वी टू हो जाएगी, मान लेंगे अलग हो जाएगी, तो यहां पे एसी कितना होगा, एसी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, तो एसी का डायरेक्शन हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स होता है, लेकिन यहां पे एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे हो जाएगी इसकी स्पीड जो यहां पर है, मतलब वी टू स्क्वायर बाई आर, मतलब यहां पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का बदल ही रहा है, प्लस मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, लिख लेना भाई, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तुम्हारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है एसी, उसका मैग्नीट्यूड भी बदलता है और डायरेक्शन तो बदलता ही बदलता है, दोनों चेंज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी भी क्वेश्चन आएगा ना टफ, तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही आएगा, अगर कॉन्सेप्ट से टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो वो ऐसे बना सकता है छोटी छोटी चीजों से। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या आपको, नीट एस्पिरेंट सर, आई बिलोंग टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट, फिजिक्स में बहुत मजा आता है, चलो बहुत सही। अरे नीट एस्पिरेंट यहाँ बात करने नहीं आया, पढ़ाने आया हूँ, ठीक ना, थोड़ा सा पढ़ाने दो यार प्लीज, बुरा मत मानना, ठीक ना, अगर कुछ पढ़ाई की बात करनी है तो पढ़ाई की बात करो। चलो यहां तक समझ में आया, जी सर, चलो यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, यहां पर समझ में आपको आ गया। चलो अगर यहां तक समझ में आ गया तो मैंने बोला है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी बदलती है, तो सर अगर स्पीड बदलता है तो स्पीड कौन सा बदल रहा है, इसके अलोंग में जो है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर स्पीड बोलते हैं, अगर ज्यादा अच्छे तरीके से बोलते हो तो। लीनियर स्पीड बदलने के लिए मैंने काइनेमेटिक्स में बोला था कि एक लीनियर एक्सीलरेशन भी होना चाहिए, एक लीनियर एक्सीलरेशन भी होना चाहिए, तो यहां पे अगर स्पीड बदल रही है वी वन और वी टू ऐसे करके, तो वो क्यों बदलेगी, अगर यहां पे कोई टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही क्या हो, एक एक्सीलरेशन हो, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक एक्सीलरेशन नहीं होता है, बॉडी को घूमने के लिए एसी तो चाहिए ही, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो चाहिए ही, लेकिन स्पीड चेंज करने के लिए, लीनियर स्पीड चेंज करने के लिए लीनियर एक्सीलरेशन भी चाहिए, तो आप बोलोगे कि यहां पे एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक लीनियर एक्सीलरेशन भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एटी, एंड दिस एटी दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड, लिख लेना भाई। तो इस एटी को हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सीलरेशन, क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सीलरेशन, और ये जो एसी है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन,
या फिर इसको बोलते हैं रेडियल एक्सिलरेशन, मैंने बताया है ये सब, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एक्सिलरेशन, लिख लेना भाई। इन तीनों में से कोई भी चीज पूछेगा ना, रेडियल, सेंट्रीपेटल, नॉर्मल, वो एक ही चीज की बात कर रहा है। तो अगर मैं इस इंस्टेंट पे बात करूं भाई साहब, तो एसी क्या होगा? एसी होगा तुम्हारा वी स्क्वायर बाई आर, सॉरी वी वन स्क्वायर बाई आर, अगर इसका रेडियस आर है तो। और इसके पास एटी भी होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये कब की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये स्पीड क्यों बदल रही है? इस एटी के वजह से, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन आ गया तो जाहिर सी बात है कि वो स्पीड को बदल देगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल, जो कि चाहिए ही बॉडी घूमने के लिए, बॉडी को घूमने के लिए, और एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब भाई साहब, अगर ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है और ये अंदर की ओर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों का कोई रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आएगा ना, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आएगा ए वेक्टर ए। तो इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है, तो ए कितना होगा? ए का मैग्नीट्यूड होगा तुम्हारे पास अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कभी भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक्सीलरेशन पूछे या नेट एक्सीलरेशन पूछे या रिजल्टेंट एक्सीलरेशन पूछे, तो आप ये वाली ए फाइंड करना, ये वाली ए, ये वाली ए फाइंड करना। और ये ए मान लो एसी के साथ कितना एंगल बना रहा है? एंगल थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है? एंगल थीटा बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो इस वाले डायग्राम को अगर मैं यहां पे बनाऊं, तो देखो ये तुम्हारे पास नेट एक्सीलरेशन ए है, और ये तुम्हारे पास क्या है? ये है तुम्हारे पास ए सी, और ये तुम्हारे पास क्या है? ये है तुम्हारे पास ए टी, ये है तुम्हारे पास ए टी। और इस एंगल को मुझे फाइंड करना है, तो इस वाले वेक्टर को मैं डिस्प्लेस करके यहां पे रख देता हूं। तो अगर मैं टैन थीटा लिखूंगा, तो मैं कितना लिखूंगा? परपेंडिकुलर, मतलब ए टी बाई बेस एसी। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास, थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए टी बाई एसी, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड बाई एसी, बाई एसी। तो कभी भी क्वेश्चन में एक्सीलरेशन पूछे, तो ये पहले पता कर लेना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्योंकि तो आपने अगर ये चीज नहीं पता की भाई साहब, तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक टाइप का एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों। तो आपको उसके लिए नेट एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है। अब देखो भाई साहब, अगर इस ए को जो तुम्हारे पास नेट एक्सेलरेशन दिया है किसी एंगल पे, अगर उसको मैं कॉम्पोनेंट में तोड़ूं, तो इस साइड कॉम्पोनेंट क्या आएगा? इस साइड कॉम्पोनेंट आएगा तुम्हारे पास ए कॉस थीटा, इस साइड कंपोनेंट तुम्हारे पास आएगा ए कॉस थीटा, अगर ए के टर्म्स में लिखो तो। और इस साइड क्या आएगा तुम्हारे पास? ए साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? ए साइन थीटा के लिए कौन सा एक्सेलरेशन था? ए टी, मतलब ए टी इज नथिंग बट ए साइन थीटा, एंड ए सी इज नथिंग बट ए कॉस थीटा। तो ये लिखने भी आपको आना चाहिए। अब सर एसी की वैल्यू तो आप बता दिए, हम कैसे लिखेंगे एसी की वैल्यू? अगर यहाँ पे वी वन स्पीड है, तो वी वन स्क्वायर बाई आर लिखेंगे। सर ए टी क्या होगा? सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? डीवी बाई डीटी होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज द लीनियर एक्सेलरेशन। और काइनेमेटिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, दैट इज डीवी बाई डीटी होता है, डीवी बाई डीटी होता है। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई भाई, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूरा समझ चुके। अगर कोई समस्या है तो पूछो, कोई समस्या है तो पूछो भाई साहब। नीट एस्पिरेंट, सॉरी सर, कोई बात नहीं, ये आपका बड़प्पन है कि आप सॉरी बोल दे रहे हो, ठीक है ना? बहुत बच्चे तो बोलते भी नहीं है। चलो अगर कोई समस्या है तो जल्दी पूछो। सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जीरो होता है? बिल्कुल। मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी बदलती है, और स्पीड बदलने का कारण क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड नहीं बदलती, तो अगर वहां स्पीड ही नहीं बदल रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। मनीष कुमार, क्लियर सर? बोलो, झमा झमी सी बात है।
चलो कोई समस्या कोई दिक्कत तो पूछ लो। श्रेया गौर, ओके सर। एकलव्य बर्मन सर, लास्ट वाला, लास्ट वाला। अच्छा, एटी इज इक्वल टू डीवी बाई डीटी। अरे एटी क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल लो या फिर लीनियर एक्सेलरेशन बोल लो। और लीनियर एक्सेलरेशन काइनेमेटिक्स मैंने क्या बोला था, डीवी बाई डीटी होता है तुम्हारे पास। और सर डीवी बाई डीटी क्यों लिखे हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे स्पीड बदल रही है ना टाइम के साथ, यहाँ वी वन है यहाँ पे वी टू है, तो एटी कैसे फाइंड करेंगे, डीवी बाई डीटी फाइंड करेंगे, डीवी बाई डीटी करके हम लोग फाइंड करेंगे। चलो सगुफ्ता क्लियर, स्निग्धा यस सर। डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो इन यू सी एम, बिल्कुल सही ना, क्योंकि डीवी बाई डी टी जीरो होगा ही, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एटी होता और एटी ही रिस्पॉन्सिबल है चेंज ऑफ स्पीड में, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी जो स्पीड है वो वेरिएबल होती, तो वहां पे जीरो होना ही पड़ेगा एटी को, ताकि स्पीड कॉन्स्टेंट रहे। जो बोल रहा हूँ दोबारा सुनते जाना, ठीक है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर में सुन लेना दोबारा, या अभी रिवाइंड करके सुन लो। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूं। अ बॉडी इज अंडर गोइंग, अ बॉडी इज अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन, अ बॉडी इज अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन, इट्स स्पीड वेरीज एज v इज इक्वल टू टू टी, फाइंड इट्स एसिलरेशन, फाइंड इट्स एसिलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू 1 मीटर। चलो जो भी आंसर आएगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे आपको बता देना, मतलब रूट में बता देना अगर रूट में आएगी तो, ठीक ना, पॉइंट में मत निकालना। चलो बनाओ इसको। एकलव्य बर्मन आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप रेगुलर आते हो मुझे पता है, कोई बात नहीं, चीजें एक बार समझ में नहीं आती हैं तो हिम्मत बड़ी रखनी है, दोबारा से ट्राई करना और दोबारा से आप समझ जाओगे, ठीक है ना। चलो बिटन चक्रवर्ती 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलो सबका आंसर मैं लिख लेता हूं एक बार, ठीक ना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कोई आंसर, √20 मनीष कुमार, और मिस्टी सेन, स्निग्धा और बाकी सब लोग जो भी अभी 15 लोग ऑनलाइन हो बताओ। बिटन चक्रवर्ती, अरे अरे मुनीश ने ना √20 आंसर दिया है तो हम भी गलत किए होंगे। अरे भाई सेल्फ कॉन्फिडेंट भी रखो। एकलव्य बर्मन √20, बिटन चक्रवर्ती 2, चलो बिटन चक्रवर्ती 2 बोल रहे हैं, ठीक है। साहिल यादव यस, चलो मेघा राय 0, अरे भाई साहब। श्रेया गौर √2, अंकित श्रीवास्तव आपका आंसर बताओ तो, मिस्टी सेन आप भी आंसर बताओ तो क्या होगा, मिस्टी सेन 2, अरे बाप रे। चलो चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखते हैं किसका आंसर सही है इसमें से। अब बॉडी इज अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन, तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सर ने बताया था कि हम लोग ये पहचानेंगे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो वो कैसे पहचानेंगे, स्पीड को देख के, अगर स्पीड बदलेगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, अगर स्पीड कॉन्स्टेंट होगी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो स्पीड वेरीज एज वी इज इक्वल टू 2t, टी क्या है तुम्हारे पास, टाइम है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड यूनिट दिया हुआ है, तो स्पीड टाइम के साथ बदल रहा है, मतलब दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड बदल रही है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है भाई साहब, तो
तो सबसे पहले तो ये लिख लो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो टाइप का एक्सीलरेशन होता है, एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है टेंजेंशियल। और कभी भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर पूछ दिया क्या, अगर पूछ दिया एसिलेशन या फिर नेट एसिलेशन या रिजल्टेंट एसिलेशन, अभी अभी मैंने बोला था, तो आप क्या बोलोगे कि क्या होता है वो? अंडर रूट एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। तो एसी क्या होगा? एसी होगा तुम्हारे पास वी स्क्वायर बाई आर। रेडियस कितना दिया है? 1 मीटर। तो ये हुआ वी स्क्वायर बाई 1, तो ये हो गया वी स्क्वायर। अब वी कैसे फाइंड करेंगे? वी तो बदल रहा है, आपसे पूछ रहा है टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे वी कितना होगा? टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे तुम्हारे पास वी कितना होगा? ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2 into 1, तो ये तुम्हारे पास हो गया 2, ये तुम्हारे पास हो गया 2, तो ये हो गया तुम्हारे पास v के जगह रखो 2, तो 2 स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारे पास 4। तो ये तुम्हारे पास ac की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई? 4 आ गई। तो ये ac की जगह रख दो 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस at। at मैंने क्या बोला है? at होता है हमारे पास dv by dt। तो v दिया है तुम्हारे पास 2t, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? d by dt और ये 2t, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में? ये हो जाएगा 2। तो at की वैल्यू कितनी आ गई? 2 m/s², तो ये तुम्हारे पास 80 के जगह रख दो 2, तो 2 स्क्वायर, मतलब ये तुम्हारे पास हो गया अंडर रूट 16 + 4, मतलब ये हो गया अंडर रूट 20 m/s². बिल्कुल सही मनीष कुमार भाई, बाकी सारे ने आंसर गलत दिया है। ठीक है, आपसे अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूछता तब आप 2 बोलते। बोलो बात समझ में आई क्या? ज्योति खन्ना √20, चलो सही है। मेघा राय आई डोंट नो सर, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, सीखो और आगे बढ़ते जाओ। चलो बिटन चक्रवर्ती, आई ओनली कैलकुलेटेड लीनियर एक्सीलरेशन। नहीं ना भाई, पहले ये पता करो कि कौन सा सर्कुलर मोशन है। अगर ये यूनिफॉर्म होता तो आप वी स्क्वायर बाई आर करते, अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या करते? वी स्क्वायर बाई आर करते, और क्या करते? डीवी बाई डी टी भी फाइंड करते। चलो मिस्टी सेन है √20। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाओ, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले आपको ए वाला पार्ट फाइंड करना, ए वाला पार्ट। चलो ये वाला पार्ट फाइंड करना, बी नहीं फाइंड करना। आपको कॉलम वन है, कॉलम बी में मैच करना है, ठीक है ना? ए का बताओ किसमें मैच होगा? पी क्यू आर एस में। क्वेश्चन आपके सामने है ये, इसके लिए क्वेश्चन है ये। अ पार्टिकल ऑफ 500 ग्राम, अ पार्टिकल ऑफ 500 ग्राम मास मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ रेडियस 16 m सच दैट नॉर्मल एक्सीलरेशन। नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। नॉर्मल एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज ए एन इज इक्वल टू 90 स्क्वायर। तो ये ए एन मतलब क्या हुआ? ये जो ए एन लिखा है ना, दैट इज नथिंग बट इज दिस इज ए सी, तो मतलब ए सी इज इक्वल टू 90 स्क्वायर दिया है। टी क्या है? तुम्हारे पास टाइम है। तो ए पॉइंट, ए वाला पार्ट फाइंड करो, टेंजेंशियल फोर्स ऑन पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। बताओ पी क्यू आर एस में क्या होगा? बिटन चक्रवर्ती सर आपके साथ टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता, जब फिजिक्स के मोहब्बत हो जाएगी ना तो 5-5 घंटे भी कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। चलो एक पार्टिकल है 500 ग्राम उसका मास है, कितना मास है? 500 ग्राम उसका मास है, ठीक ना? वो हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है जिसका रेडियस है 16 m, और जो एसी है, एसी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को ही बोलते हैं नॉर्मल एक्सीलरेशन, वो कैसे वैरी कर रहा है टाइम के साथ? 90 स्क्वायर। तो आपको फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में टेंजेंशियल फोर्स ऑन पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, टेंजेंशियल फोर्स आपको फाइंड करना है। चलो भाई ये क्वेश्चन उड़ा दोगे ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन उड़ा दोगे तो मजा आ जाएगा, और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हीरा देवासी सर क्या पूरा फिजिक्स कंप्लीट कराएंगे प्लीज रिप्लाई? हाँ पूरा फिजिक्स कंप्लीट करवाऊंगा। एस बिटन चक्रवर्ती एस, मतलब एक लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। चलो देखते हैं, ठीक है ना? और लोग बताओ आंसर, मनीष कुमार, बाकी सब लोग बताओ। 6 न्यूटन,
बाकी लोग आंसर बताओ, चलो तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, आपसे क्या बोला है, टेंजेंशियल फोर्स फाइंड करना है टी इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि टेंजेंशियल फोर्स लगेगा भी कि नहीं लगेगा, और टेंजेंशियल फोर्स क्यों लगेगा। सबसे पहले अगर बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हुआ, अगर बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हुआ, तो अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आया तो किसी फोर्स की वजह से आया होगा, तो टेंजेंशियल फोर्स भी होगा। तो सबसे पहले देखते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा भी कि नहीं होगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होने के लिए बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना होगा। सर यहां कहीं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेंशन भी नहीं है, और यह भी मेंशन है कि स्पीड बदल रही है कि नहीं बदल रही है। कैसे करेंगे सर? देखो भाई साहब, रेडियस दिया है 16 मीटर और एसी दिया है 90 स्क्वायर। तो एसी क्या होता है, मान लेते हैं कि एसी जो तुम्हारा होता है वो वी स्क्वायर बाई आर होता है, वो होता ही है। तो ये कितना आ गया, इज इक्वल टू 9t² हो गया। इंप्लाइज दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू, और रेडियस कितना दिया 16, तो इस 16 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 16 × 9t² हो जाएगा। मनीष यादव 6 न्यूटन, चलो तो ये हो जाएगा 144t². तो यहां से अगर v निकालोगे तो v कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144 × t², मतलब v की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 12t। वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है, वो टाइम के साथ वैरी कर रहा है। दैट मींस कि ये क्वेश्चन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। अगर ये क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है, इसका मतलब हमारे पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होती है ए टी, वो कितनी होती है, dv/dt। और आप फाइंड कर चुके हो कि जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो ऐसे वैरी कर रही है। तो dv/dt निकालोगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, d/dt, और ये हो जाएगा v की जगह 12t। ये तुम्हारे पास कितना आ गया, 12 m/s². आपसे टेंजेंशियल फोर्स पूछा है, तो टेंजेंशियल फोर्स किसके वजह से आएगा, एटी के वजह से आएगा। तो टेंजेंशियल फोर्स को अगर मैं एफ मान लूं तो वो किसके एक वजह से आएगा, एफ इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। मास कितना दिया है, 500 ग्राम, तो उसको अगर चेंज करोगे केजी में तो 1000 से डिवाइड करोगे, ये आया टेंजेंशियल फोर्स। टी मतलब टेंजेंशियल फोर्स, 500/1000 × 12। तो ये और ये कट्टम कुट्टुम, तो ये हो गया तुम्हारे पास 12/2, दैट इज 6 न्यूटन। मतलब कि ऑप्शन नंबर एस, ये फर्स्ट वाला एस में जाएगा। बिल्कुल सही, सबने आंसर सही दिया था, स्निग्धा 6 न्यूटन, बहुत सही बहुत सही। अंगद नारायण 7.5, नहीं, 7.5 नहीं होगा, दोबारा से आप चेक कर लेना। अब चलो सेकंड वाला पार्ट फाइंड करो, टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। टोटल फोर्स आपको फाइंड करना है, टोटल क्या, मैं लाइव हूं एक बार बता दो, शायद बीच में लैग हो गया था या कनेक्शन कट गया था, क्या हुआ था। चलो बनाओ बी वाला पार्ट, शायद मैं लाइव हूं, ठीक है, कनेक्शन कटा नहीं है अभी। स्निग्धा 7.5, पता नहीं, मैं देखता हूं, ठीक ना, बना के देखता हूं। चलो, टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो हम तो ये पता कर चुके कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है भाई साहब, तो उस बॉडी पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उस बॉडी पे जो नेट एसिलेशन होगा, वो क्या होगा, अंडर रूट एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, अंडर रूट एसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे पूछा है ना, तो टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे आप टेंजेंशियल फोर्स निकाल चुके हो। टेंजेंशियल फोर्स कितना आया है भाई, तुम्हारे पास 6 न्यूटन आया। टेंजेंशियल
टेंजेंशियल फोर्स कितना आया तुम्हारे पास? 6 न्यूटन आया है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आया? 12। तो मैं रख देखता हूं यहां पे अंडर रूट 80 की जगह 12 का स्क्वायर। एसी कैसे फाइंड करेंगे सर? अरे एसी दिया है तुम्हारे पास, एसी 90 स्क्वायर। तो अगर एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड बात करोगे तो एसी कितना आ जाएगा? 9 × 1 स्क्वायर, मतलब 9 आ जाएगा सिंपली। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा सिंपली। ये हो गया तुम्हारे पास प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया? अंडर रूट 144 प्लस 81। तो ये तुम्हारे पास कितना हुआ? 144 और 81 तुम्हारे पास आ गया, ये 5 और ये गया 12 और ये हो गया 225। तो ये हो गया तुम्हारे पास अंडर रूट 225, मतलब ये हो गया 15। कितना हो गया? 15। अंडर रूट 225, 15 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो नेट एक्सेलरेशन इतना आ गया। तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स बोल लो या टोटल फोर्स बोल लो, वो कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है? 500 ग्राम, मतलब 500/1000 kg इनटू 15। कट्टम कुट्टम खेलम खेलाई करो भाई। तो 15/2 7.5 न्यूटन, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर आर विल बी करेक्ट। बहुत सही भाई साहब। चलो अगर क्लियर है तो बोलो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी का आर, बिल्कुल सही। वी का आर, बी का आर, बिल्कुल सही। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बनाओ, नीट 2016 का क्वेश्चन है। आंसर याद होगा तो आंसर नहीं देना है, बना के देना है अभी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है भाई साहब। इन द गिवन फिगर ए इज इक्वल टू 15 रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। आर इज इक्वल टू 2.5 मीटर दिया है एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इस पार्टिकल की स्पीड बतानी है। पार्टिकल की स्पीड बतानी है। एकलव्य बर्मन सी, गूगल उगल करके मत बताना भाई। चलो सबसे पहले सर्कुलर मोशन का अगर क्वेश्चन है तो सर ने बोला कि ये पहचानो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो भाई साहब, क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन दिया है ना वो किसी एंगल पे दिया है। तो नेट एक्सेलरेशन कब आता है? जब वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन होता है। इस ए की वैल्यू गिवन है देखो 15, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा? देखो सेंटर की तरफ ये आएगा तुम्हारे पास ए कॉस 30 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर मतलब इधर कितना आएगा? ये आएगा ए साइन 30 डिग्री। तो सेंटर के टुवर्ड्स में जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दिस इज नथिंग बट ए कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? ये होती है वी स्क्वायर बाई आर। बोलोगे सर जो वी है वो तो बदलते रहता है ना? अरे भाई इस स्टैंड पे आपको बताना है कि क्या होगा स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो इस स्टैंड पे मान लेते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो क्या है? वी है। तब मैं लिखा हूं यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर। आर दिया है तुम्हारे पास, ए दिया है तुम्हारे पास, ए कितना दिया है? 15। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, मतलब 2.5। अब चलो अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व कर लोगे तो आंसर सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है ना? बताओ क्या सॉल्व करके भी बताऊं? बोलो हाँ या नहीं। इसको अप्रोक्सीमेशन से फटाक से बता सकते हो कि आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा आंसर? होगा सी होगा, ठीक। चलो सॉल्व करके बताऊं, डी नहीं होगा। चलो सॉल्व करके बता ही देता हूं भाई। तो वी स्क्वायर की वैल्यू देखो कितने आ जाएगी, इधर जाएगा तो 15 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, 1.732, तो 1.73 लेता हूं इंटू 2.5 बाई 2,
15/2 तुम्हारे पास कितना हो गया, 7.5 हो गया, और ये कितना हुआ 1.7 × 2.5, ठीक 1.7 × 2.5। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको अप्रोक्सीमेटली बढ़ा के 0.3 2 ले लेता हूँ, और इसको 0.5 घटा के इसको 2 ले लेता हूँ, तो ये आया तुम्हारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू। तो वी स्क्वायर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा भाई, 2√7.5, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√7.5। तो अगर यहाँ पे 9 होता भाई साहब, अगर यहाँ पे 9 होता तो √9 हो जाता 3, और 2 × 3 कितना हो जाता 6 हो जाता, लेकिन उससे वैल्यू कम है तो 3 से वैल्यू कुछ कम आएगी यहाँ पर, तो तुम्हारे पास 6 से कुछ कम वैल्यू होगी जस्ट, और 6 से जस्ट कम वैल्यू क्या दी हुई है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो अप्रोक्सीमेशन में फटाक से आप ऐसे भी आंसर बता सकते हो, ठीक। चलो तो ये हो गया तुम्हारे पास 5.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सर मैं घबरा गया और कैलकुलेशन छोड़ दिया, ऐसे अप्रोक्सीमेशन यूज करो भाई साहब, ठीक ना, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको आता भी है तो कैलकुलेशन नहीं आता है तो भाई साहब आप बोलोगे कि 5 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन देखो मैंने कैसे सॉल्व कर दिया, तुरंत 10-20 सेकंड में सॉल्व कर दिया मैंने। चलो इतना हमको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, इस लास्ट क्वेश्चन को बनाओ, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई साहब, क्या है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा आंसर इसका करेक्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। चलो सही बताना सब लोग, ठीक है ना, सही बताना। स्निग्धा सर अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज दिए हैं तो पूरा सॉल्व करना पड़ता है ना, हाँ बिल्कुल, अगर मान लो दिया 5, 5.1, 5.2 तब तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। लेकिन मान लो कहीं दिया 5 और कहीं दिया 5.7, कहीं दिया है 10, तो भाई अप्रोक्सीमेशन आप वहां पे यूज कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ क्या क्या होगा ऑप्शन, ए सी डी, अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v इन सर्कुलर इज विद अ कांस्टेंट स्पीड v इन सर्कुलर इन सर्किल ऑफ रेडियस r, ए सी डी, एक बच्चे ने बोला है ए सी डी, मनीष कुमार ने, और लोग बोलो, बिटन चक्रवर्ती ए सी डी, सार्थक शर्मा, मल्टीपल है सर, बिल्कुल मल्टीपल है ये, ऐसा क्वेश्चन नेट में नहीं आता, लेकिन एक ही क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन बन जाए इसलिए मैंने इसको डाला हुआ है। स्निग्धा ए सी डी, एकलव्य बर्मन बी सी ए, ए बी सी मतलब उनके हिसाब से डी नहीं होना चाहिए, अंकित परमर ए बी डी, ए बी डी मतलब उनके हिसाब से सी नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं, एक बॉडी जो है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अगर सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, आपने बोला था कि सबसे पहली बार यही पहचानना तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो अगर कांस्टेंट स्पीड है तो हमने यही पहचान लिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। क्या उसके पास नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा, बिल्कुल होगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन को ही मैंने बोला था कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं, तो बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एज नॉर्मल एक्सीलरेशन, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकता, नॉर्मल एक्सीलरेशन दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उस बॉडी के पास तो होगी ही, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वी स्क्वायर बाय आर, बिल्कुल सही। अब हमको पता है कि जो टोटल एक्सीलरेशन होता है वो कितना होता है, √AT² + AC² होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उसके लिए 0 हो गया, ये किसके इक्वल आया, √AC² = AC आ गया, मतलब जो टोटल एक्सीलरेशन है वो AC के इक्वल होगा, एंड AC इज व्हाट, AC इज V² / R, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ACD जिसने जिसने बोला था बिल्कुल सही बोला था, बिल्कुल सही बोला था। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत, मिस्टी सेन ए एंड सी, नहीं नहीं AC नहीं होगा, DB होगा, टोटल एक्सीलरेशन भी V² / R ही होगा, कैसे होगा मैंने बता दिया। चलो बिटन चक्रवर्ती इजी है सर, चलो नीट 2022 के लिए हमारे हमारा एक ड्रॉपर बैच लॉन्च हुआ है नीट 2022 के लिए, जहां पे पूरी डिटेल्ड में जो फिजिक्स है वो क्या कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके प्यारे लॉ सर पढ़ा रहे हैं, पूरी बायोलॉजी जो है वो विपिन सर पढ़ा रहे हैं, और पूरी केमिस्ट्री जो है नितेश सर पढ़ा रहे हैं, सिर्फ
5000 में आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लो, एकदम मक्खन वाला बैच होने वाला है। पूरे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। स्पेशली केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी आपको क्या मिलने वाला है, आपको पीवाईक्यूज भी मिलेगा, लेकिन फिजिक्स में पीवाईक्यूज नहीं मिलेगा। इसमें आपको डिटेल्ड क्या मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर केमिस्ट्री बायोलॉजी तो समझ में आती है और जगह फिजिक्स नहीं आती है, तो आप सिर्फ फिजिक्स का भी कोर्स ले सकते हो। फिजिक्स का कोर्स सिर्फ 2000 में आपको पड़ जाएगा। इसमें 175 घंटे से भी आपको क्वालिटी कंटेंट मैं दूंगा, पूरी फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चीज, चाहे बेसिक मैथमेटिक्स हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, आपको वीडियो फॉर्मेट में क्या मिलेंगी, सीपीपीज मिलेंगी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और अगर सिर्फ आप मेरा बैच लेते हो तो आपको फिजिक्स का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा और आपको मास्टर प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगी। मतलब बहुत सारा मिलेगा चीज, ठीक है। अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि भाई साहब 23 सितंबर से ही ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं लॉज ऑफ मोशन अभी जस्ट खत्म किया हूं। लेकिन जैसे ही नीट का रिजल्ट आता है मैं अपना पेस बढ़ा दूंगा, तो अभी आपके लिए बैकलॉग ज्यादा नहीं होगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो अगर करना चाहते हो। तो कैसे करोगे, प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे जाओगे तो क्या करना, मार्क्सअप लर्निंग ऐप सर्च करना, मार्क्सअप ऐप को इंस्टॉल कर लोगे तो आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन मांगेगा, रजिस्टर कर लेना और उसके बाद फिर मेरा कोर्स दिखेगा, आप उसको परचेस कर सकते हो। कभी कभी ओटीपी क्या होती है, लेट से आती है, पेमेंट फेल हो जाता है, तो बार बार आप ट्राई कर सकते हो, मजा आ जाएगा भाई। ऐसी फिजिक्स, इतनी सिंप्लीफाइड फिजिक्स कभी पढ़े नहीं होगी। लेकिन याद रखना यहाँ पीवाईक्यूज आपको नहीं मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस सेशंस इतने अच्छे दे दूंगा ना भाई भाई साहब कि पीवाईक्यूज देखोगे बोलो ये क्या हवा है का, झमाझम कर दोगे क्वेश्चन को, ठीक। चलो अगर आप कोई समस्या है तो बताओ, नहीं तो सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। चलो बिटन चक्रवर्ती, मजेदार क्लास रहा। चलो एकलव्य बर्मन, गुड नाइट सर, गुड नाइट। कोई समस्या है, अगला वीसीएम है, नहीं वीसीएम नहीं, पहले वर्क एनर्जी पावर पढ़ाऊंगा आपको। चलो अगर कोई समस्या नहीं है तो लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। कमेंट कर देना भाई, ठीक है ना, चलो कुछ भी कमेंट कर देना, लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। मतलब सीएम खत्म, नहीं नहीं बैंकिंग ऑफ रूट्स बचा हुआ है, ठीक है ना, बैंकिंग ऑफ रूट्स बचा हुआ है, उसको पढ़ाऊंगा ना। आकाश मिश्रा, गुड नाइट सर, गुड नाइट। चलो क्रिस विट्स, बाय सर। अरे क्रिस विट्स, अरे भाई मेडिकल कॉलेज में हो तब भी आते हो देखने, थैंक यू सो मच। स्निग्धा, थैंक यू सर। मिस्टी सेन, बाय सर। चलो फिर